दोस्तों वीवो ने अपना वीवो V90 स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है। तो एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ गैजेट अनबॉक्सिंग की एक नए एपिसोड पर। तो फाइनली आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने वीवो V19 का अनबॉक्सिंग करूँगा। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ इस तरह से बॉक्स देखने को मिलेगा जहाँ आपको वीवो का ब्रांड नेम मिल जाता है और नीचे आपको V19 लिखा हुआ दिखाई देता है। फ़ोन के राइट साइड में आप लोगों को पंच होल देखने को मिलेगा। तो इस स्मार्टफोन में आपको पंच होल डिस्प्ले का ऑप्शन भी मिलने वाला है। और इसके अलावा आपको यहाँ बॉक्स के ऊपर में देखने को मिलेगा 8 GB की रैम एंड 256 GB स्टोरेज के साथ आता है ये स्मार्टफोन। तो इस स्मार्टफोन की कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन पे नज़र डालते हैं तो पीछे साइड यहाँ आप लोगों को V19 का लोगो दिखाई देगा। इसके अलावा आपको 32 MP का फ्रंट कैमरा और सुपर नाइट सेल्फीज़ का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा आपको 48 MP का AI क्वाड कैमरा आप लोगों को मिल जाता है। तो कुछ इस तरह से बॉक्स के पीछे साइड हाईलाइट किया गया है। तो अब चलिए बॉक्स की अनबॉक्सिंग हम शुरू करते हैं और आपको मैं इस स्मार्टफोन का फर्स्ट लुक दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे हम इसकी जो है पैकिंग को कट करते हैं और कट करने के बाद जैसे ही इन बॉक्स को ओपन करेंगे आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से। तो इस पहले लेयर में आप लोगों को V19 लिखा हुआ दिखाई देगा। तो इस लेयर पे देखते हैं कि इस लेयर के अंदर हमें क्या क्या चीज़ मिल जाता है। तो यहाँ आप लोग देख पाओगे एक बैक केस दिया गया है जो कि ट्रांसप्रिंटेड है। दोस्तों यहाँ आप लोग देख पाओगे एंड सिम इंजेक्टर पिन एंड टाइप सी केबल भी आप लोगों को मिल जाता है जो कि वाइट कलर में दिया गया है यहाँ आप लोग देख पाओगे। इसके अलावा आपको स्मार्टफोन का फर्स्ट लुक देखने को मिलता है जो कि पॉलीथीन की रैपर से पैक्ड दिया गया है। तो इसको हम बाहर निकालते हैं और इस स्मार्टफोन का फर्स्ट लुक मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ आप लोग देख पाओगे वीवो V19 का फर्स्ट लुक। उससे पहले बॉक्स के एसेसरीज को चेक करते हैं। तो यहाँ आप लोगों को एक चार्जिंग एडाप्टर मिल जाता है दोस्तों जो कि डुअल इंजन फास्ट चार्जर कैपेबिलिटी से बना हुआ है। तो इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा आपको हेडफोन भी मिल जाता है जो कि वाइट कलर में दिया गया है ये 3.5 mm हेडफोन। तो ये काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग रखी गई है। इसके अलावा बॉक्स के अंदर ओवरऑल ये सारे एक्सेसरीज आप लोगों को मिल जाते हैं। तो फाइनली अब स्मार्टफोन की तरफ नज़र डालते हैं। तो यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा वीवो V19 का फर्स्ट लुक। तो इस पॉलीथीन की रैपर से हम इस स्मार्टफोन को बाहर निकालते हैं। तो ये हमने इस पॉलीथीन की रैपर से इस स्मार्टफोन को बाहर निकाल लिया। तो यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा इस स्मार्टफोन का फर्स्ट लुक। तो सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन के रियर कैमरे की। तो इस स्मार्टफोन में आप लोगों को 4 रियर कैमरे का ऑप्शन मिल जाता है। 48 MP का AI क्वाड कैमरा मिलता है। 8 MP का सुपर वाइड एंगल देखने को मिल जाता है। इसके अलावा 2 MP का माइक्रो लेंस और 2 MP का बोके इफेक्ट के लिए मिल जाता है दोस्तों। इसके अलावा आप लोगों को LED फ्लैश मिल जाता है। तो ओवरऑल इस तरह से इसकी कैमरा डिज़ाइनिंग रखा गया है। इसके अलावा बॉडी डिज़ाइनिंग की बात करें तो यहाँ आपको वॉल्यूम रॉकर कीज़, पावर ऑन ऑफ कीज़ या फिर लॉक ऑन लॉक कीज़ भी देखने को मिलेगा। राइट साइड और लेफ्ट साइड आपको सिम ट्रे बॉक्स मिलने वाला है। तो मैं आपको इस सिम ट्रे बॉक्स भी दिखाना चाहूँगा कि इसमें आपको कौन सा स्लॉट मिलता है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा डेडिकेटेड सिम स्लॉट एंड 2 SIM कार्ड के साथ आप एक SD कार्ड भी लगा पाओगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा चीज़ दिया है इस स्मार्टफोन में। तो इसमें आपको 32 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है तो आप क्लियर तरीके से अपना सेल्फी पिक ले सकोगे दोस्तों, जो कि 120° वाइड एंगल लेंस से दिया गया है। इसके अलावा इस स्मार्टफोन में आप लोगों को बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले डिज़ाइनिंग का ऑप्शन मिलने वाला है। तो बात करें इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले डिज़ाइनिंग, तो इसमें आपको 6.44 इंच की फुल HD प्लस की अल्ट्रा ओ सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है विद पंच होल के साथ आता है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का भी ऑप्शन मिल जाता है इस स्मार्टफोन में। वहीं बात करते हैं इस स्मार्टफोन की प्रोसेसर की इन परफॉर्मेंस की, तो इस स्मार्टफोन में आप लोगों को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 675 वाला AIE प्रोसेसर मिल जाता है जो कि 8 GB की रैम एंड 256 GB स्टोरेज के साथ आता है ये स्मार्टफोन एक, और इसका बेस वेरिएंट है जो कि 128 GB स्टोरेज के साथ आता है। और वहीं बात करते हैं इस स्मार्टफोन की बैटरी बैकअप के बारे में, तो इस स्मार्टफोन में आपको बहुत ही बड़ी बहुत ही ज़बरदस्त बैटरी बैकअप मिलने वाला है क्योंकि इस स्मार्टफोन में आपको 4500 mAh का नॉन रिमूवेबल वाला बैटरी भी मिल जाता है जो कि डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी के साथ आता है। तो ओवरऑल ये रहा इस स्मार्टफोन की पूरी क्विक अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।